आपकी सीख के लिए शुक्रिया महाराज, ये ट्वीट किया है दिग्विजय सिंह ने, जो कि कांग्रेस के नेता हैं, मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम हैं, और शुक्रिया कह रहे हैं या महाराज कह रहे हैं वो ज्योतिरादित्य सिंधिया को। ये ट्वीट फिलहाल चर्चा का विषय बन गया है। मामला क्या है, विस्तार से आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। दरअसल मध्य प्रदेश में आने वाले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। विधानसभा चुनाव से पहले सियासी बयानबाजी चरम पर है। बता दें कि बीजेपी कांग्रेस के नेता एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगातार लगा रहे हैं और सोशल मीडिया के जरिए भी सवाल एक दूसरे के ऊपर खड़े कर रहे हैं। इसी कड़ी में ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि बीजेपी के नेता हैं, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया। ट्वीट करते हुए सिंधिया ने एमपी तक की एक खबर को शेयर किया और लिखा, अपनी पार्टी के ही नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ षड्यंत्रकारी तरीके से पेश आने और दुर्व्यवहार करने की दिग्विजय जी की पुरानी आदत रही है। उन्हें लगता है कि सभी उनके इशारे पर रिमोट की तरह काम करेंगे। राजा साहेब दिग्विजय जी अहंकार त्यागे, लोगों को अपनाना और सम्मान देना सीखे। ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस ट्वीट का जवाब देते हुए दिग्विजय सिंह ने एक ट्वीट करा। इस ट्वीट को शेयर करते हुए दिग्विजय सिंह ने महाराज शब्द का इस्तेमाल किया और लिखा, आपकी सीख के लिए धन्यवाद महाराज। आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह यानी कि राघोगढ़ राजघराने और सिंधिया राजघराने के बीच में जो अदावत है उसके किस्से काफी जाने जाते हैं और ये अदावत काफी पुरानी भी मानी जाती है। इस बीच यहां पर सिंधिया और दिग्विजय सिंह ने एक दूसरे के ऊपर निशाना साधा और निशाना साधते समय राजा साहेब और महाराजा शब्द का इस्तेमाल किया है। वहीं बता दें कि आखिर मामला क्या था। बुरहानपुर का ये मामला था जिसमें दिग्विजय सिंह बुरहानपुर पहुंचे थे। यहाँ पर मंच सजा हुआ था, दिग्विजय सिंह जो है वो कार्यकर्ताओं से बात करने वाले थे। उसी बीच में मंच पर अल्पसंख्यक समुदाय के कांग्रेस कार्यकर्ता जो है वो पहुंचे और जब वो पहुंचे तब दिग्विजय सिंह ने सवाल कर लिया कि आखिर ये है कौन। आपको बता दें कि अल्पसंख्यक विभाग के जिला अध्यक्ष मंच पर पहुंच गए थे जिनका नाम अबरार साहब है। जब उनको मंच पर जगह नहीं मिली तब दिग्विजय सिंह ने पूछ लिया कि ये कौन है, क्या ये यूथ कांग्रेस के हैं। जिला अध्यक्ष ने नाराज होकर जवाब दिया कि हम चले जाते हैं। वहीं बता दें कि इस पूरे मामले पर जो अल्पसंख्यक समुदाय के जिला अध्यक्ष हैं उनकी भी नाराजगी सामने आई, लेकिन फिलहाल दिग्विजय सिंह का ये वीडियो वायरल हुआ और इसके ऊपर सिंधिया ने दिग्विजय सिंह पे कटाक्ष किया और कटाक्ष करते हुए राजा जी शब्द का इस्तेमाल किया, जिसके जवाब में दिग्विजय सिंह ने महाराज शब्द का इस्तेमाल कर दिग्विजय सिंह ने सिंधिया को सीख देने के लिए धन्यवाद भी बोल दिया। इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।